अम्मा आई है? अम्मा और अप्पा तो नहीं आए, लेकिन वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मैंने पार्टी देने का वादा कर, फिर बताऊंगा। ना दिया वादा। तो भाभी आ रही है। क्या देख रहे हैं अंदर आ? या पापा, बैठो। अंदर कर। ओ यार, हमारी सरोजनी आ गई। ओ सुन, तू बाइक चला, चल चल, तू निकल। बड़े पापा, आपको ना लगता कि इनके साथ अन्याय हो रहा है? इनके साथ? गाय के साथ। देखो ना, बेचारी सुबह से बंधी हुई है। अरे तने गाय दिख रही है, हमला दिख रहे, हम भी तो खड़े हैं ना कब से इस धूप में। पर क्या विजय, ये हमारी वजह से खड़ी है और हम अपनी मर्जी से। छोरी की बात में दम है। देखो जी, वो सब तो ठीक से है, परंपरा और संस्कार नाम की भी कुछ चीज होती है। अरे लक्ष्मी, रूढ़ियों को परंपरा मत बना। परंपरा किसे कहवे पता है ना तुझे? परंपरा तो ये थी कि पहले घरों में गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए रोटियां निकाली जाती थी, और घरों में ये काम अक्सर दादियां नानियां अंजाम दिया करती थी। पर जब अब हमने उन्हें निकालना शुरू कर दिया तो ये चीज करे कौन? जेठ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारे घर में भी निकाली जाती थी। खुद के खाने का ठिकाना नहीं था, गाय के लिए रोटियां निकाल। विजय, गाय की रोटी के लिए ना करोड़ रुपए की जरूरत ना हो।
दिल होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए। बड़े पापा, करुणा नाम की चीज तो बची ना है, तभी तो हम जानवरों का अपमान करते हैं। आप ही बताइए, हम में से किसी ने भी कभी गौशाला के बारे में सोचा है? गौ की पूजा कर लेते हैं, लेकिन उसके ठिकाने के बारे में कभी सोचा है? सही कह रही है तू, हम तो बस इंजेक्शन लगा लगा के ना दूध निकाल के महंगे दामों पर बेचना जानते हैं। फिर उसके बाद जब काम निकल जावे तो छोड़ दो उसे सड़कों पे मरने के लिए। और भाई साहब, अब दूध गाय से ना निकालेंगे तो कहां से निकालेंगे? सांड तो दूध देने से रहा। निकालने और शोषण करने में फर्क हो गया विजय। क्यों पंडित जी? हाँ सुशील बाबू, आप ठीक ही कह रहे हैं। ये तो बेजुबान जानवर है, कुछ बोल तो सकते नहीं, हमें ही इनके बारे में सोचना चाहिए। पंडित जी, फिलहाल तो आप अपनी दक्षिणा के बारे में सोचिए। तू तो बस हर चीज में पैसे को घुसेड़ दियो। सही तो कह रहे हैं पंडित जी, दो दिन गाय की पूजा करो, फिर उसे अपने हाल पे छोड़ दो, यही होती गौ पूजा। बड़े पापा, गाय को खोल दे, बेचारी कब से बंधी पड़ी है। भाई साहब, अब ये गाय पुराण खत्म हो गया हो तो कहानी को आगे बढ़ा लें। पंडित जी, अब आप दीपावली के बारे में बताइए, कोई ऐसी चीज बताइएगा जो हमें पता ना हो। देखिए सुशील बाबू, दरअसल बात यह है कि ये दीपावली हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के वनवास से वापस आने की खुशी में मनाते हैं। क्या बात है पंडित जी, आपने तो ऐसी बात बता दी जो हमें पता ही ना थी। और भैया दूज? भैया दूज? भैया दूज? भैया दूज यम द्वितीया के दिन मनाई जाती है पंडित जी। आपका ज्ञान पाकर हम धन्य हुए। ये लीजिए अपनी दक्षिणा। अनुमति दीजिए। आपने ना अपने पैसे पानी में बहा दिए बस, इतना तो मैंने भी पता था, मैं बता देती आपको। अच्छा, तो अगली बार पंडित को नहीं बुलाएंगे? मैं तो कहता हूँ गाय को बुलाने की भी क्या जरूरत है। तुम्हारी अम्मा तो हमेशा से सुंदर रंगोली बनाती है। तुम 3 साल बाद आई हो ना, इसलिए ऐसा रिएक्शन नेचुरल है। नहीं अम्मा, सच में आज की रंगोली की ना बात ही कुछ और। ऐसे ही मन किया तो बांध लिया। नहीं, कुछ तो बात है, बता ना क्या हुआ। कारण है, बाद में बताती हूँ। अरे अभी क्यों नहीं? डैंड्रफ ना दिखे इसलिए। अम्मा मजाक मत करो, बोलो ना प्लीज। अरे करना, टाइम आने तो बताऊंगी, ये समय वो सब चीजों के लिए नहीं है। अरे कन्ना, इट्स फेस्टिवल टाइम, लेट्स लिव दिस मोमेंट। अजन लो। ये माला देके मेरे को माला सिन्हा की तरह घोरने का नहीं। अब्बा, ये माला सिन्हा कौन है?
अरे कर्णा, वो तुम्हारे आप्पा के जमाने के हीरोइन है। चाल नहीं, तुम तो ऐसा कह रहे जैसे तुम करीना कपूर के टाइम पे पैदा हुए। साले नहीं, ये बंधे हुए बालों में तुम आज बहुत सुंदर लग रहे हो। सचिन, एक मिनट देना मेरे को। क्या बात है अप्पा, आज बहुत रोमांटिक हो रहे हो आप। ए जोक मत मारो, शादी के बाद रोमांस नो चांस। अच्छा, तो आप किसके साथ रोमांस करना चाहते हैं, कैटरीना, करीना या दीपिका? यू डोंट वरी, आई विल मैनेज ऑल ऑफ देम। यू विल मैनेज ऑल थ्री? अम्मा, ही इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर यू सी। भाई और कितनी देर खड़े रहेंगे, इतनी देर तो नेता भी इलेक्शन में खड़े ना हुए। और जब तक दिल को यकीन ना हो जाए कि सरोजनी वाकई आ गई से। अरे मेरे भाई, अब कैसे यकीन करेगा, घंटों से पीछा करते करते यहाँ तक आ रहे। वो सामने दिख रही है, तू कहे तो न्यूज में चलवा दू, फिर शायद तुझे यकीन हो जाए। पितू ना समझेगा, ये प्यार का मामला से जिस दिन तुझे होगा ना, शायद उस दिन तू समझ पाए। हाँ भाई, हमने प्यार कर लिया, हमने देख लिया, बस हम खुश हैं। मैं काम भी करने पड़ते हैं। अच्छा, तो तेरे कहने का क्या मतलब है, मैं कोई काम ना करता? भैया फेरे जमींदार, काम करो ना करो कौन पूछता है, हम तो ठहरे नौकर यार, हमें बहुत सवाल जवाब करने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं। देख भुप्पी, अगर तूने ऐसी बात दोबारा कही ना तो थारी मारी दोस्ती खत्म। ठीक है भाई, सॉरी। हाँ, यू आर कम कम। अरे कम कम नहीं, अभी गोगो का टाइम हो रहा है, चल अब यहाँ से। अरे चल ना, चल भी ले। लो चा पियो। मारी बहू ने तुम्हारे को नौकरानी बना के रख दिया, सारा दिन रसोई में खड़ती रहो बस। मैं पूछूं क्या यही दिन देखने के लिए बहू को लेकर आए थे घर में? क्यों जी? अब मैं क्या बोलूं, बड़ी है, समझदार है, उसे खुद भी तो सोचना चाहिए। तो क्या सोचेगी, पहले गांव वालों का तो सोच ले, घर संभलता ना है, गांव वालों को संभालने चलिए। पहले तो उसके पास टाइम भी होता था, अब तो कुछ पता ही ना चले है, कब आवे है कब जावे है, घर ना हुआ कोई धर्मशाला हो गया। और नहीं तो के, कम से कम उसे इतना तो सोचना चाहिए, घर में बूढ़े सास ससुर हैं, जवानी में बतेरा काम कर लिया हमने भी, इतना काम किया जितना वो सोचेगी ना तो भी चक्कर खा के गिर जावेगी। अरे कहानी क्या, रोटी बनाने के वास्ते अंगीठियां तक जलाई हैं, आग जलाते जलाते फूंक मारते मारते मारी तो आंखें सूज गई थी। अब इसे इन सब से क्या मतलब,
माँ बापू मरे गड़े, अब तो वो सरपंच बन गई है। जहां भी जावे है लोग मक्खन लगावे है, वाहवाही करे है, और इसे क्या चाहिए? अरे तो कुछ समझ में ना, क्या करेंगे हम लोग? माँ तू टेंशन ना ले, तने कोई भी काम हो तू मन ने तो बोल, घर का रसोई का बाहर का सब काम करूंगा, तू खुश रह। चल चल पीछे हट, ज्यादा मक्खनबाजी ना कर। थारी माँ अभी इतना भी नकारा ना हुई से जो बेटे से काम करवावेगी। ये सारे काम थारी लुगाई के हैं, वो ही कर सके है। अरे माँ वो गांव की सरपंच से। हाँ बेटा वो ठीक है, वो सरपंच है, लेकिन वो पहले इस घर की बहू भी तो है, वो भी अकलौती, घर के प्रति उसकी भी तो जिम्मेदारी बने हैं। अरे बापू उससे जितना बने हैं वो करे भी तो है, अब हर चीज में नफा नुकसान तो हो ही है, अब वो गांव की सरपंच बनी है तो आपका भी तो कुछ रुतबा बढ़ा है, आपको भी तो सम्मान मिला है, गांव में आपकी कितनी इज्जत हो रही है। बस रहने दे, इतना सम्मान भी ना चाहे हमारे को, हम तो बस बुढ़ापे में इतना चाहे हैं कि हमारे दोनों को आराम मिल जावे थोड़ा। ऐसे ही कह रही है, अब से देख इसकी उम्र है काम करने की। माँ जी मने माफ कर दो, आ जाने में थोड़ी सी देर होगी। देख बहू बुरा ना मानना, पहले तो तेरे बाहर से आने जाने का कुछ टाइम भी था, लेकिन अब तो कोई टाइम ना है। जरा सोचा कर कि घर में दो बूढ़े अकेले हैं, उनके प्रति भी थारी कोई जिम्मेदारी है। माँ जी मने माफ कर दो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को कोई कष्ट ना हो। नीलम तू चिंता ना कर, अब तू सरपंच है, जब ओदा बड़ा हो गए है ना तो काम भी बड़े करने पड़े, तू बेफिक्र होके काम कर, बाकी मैं हूं ना मैं सब संभाल लूंगा, टेंशन ना ले तू। और चुप कर, गलत पाठना पड़ा बहू को। अरे माँ मैं तन्ने कह रहा हूं ना, थारी सेवा मैं करूंगा, मैं घर का बाहर का रसोई का सभी काम एक साथ निपटाने की पूरी कोशिश करूंगा, तू खुश रह। अच्छा ये बता के खाएगी खाने में? अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हो, मेरे होते हुए आप खाना बनाओगे? माँ जी मैं अभी जाकर सबके लिए गरम गरम खाना बनाकर लाती हूँ। अब ठीक से देख ले किसी बहू मिली तने, बाहर का भी करे और घर का भी करे। क्यों बापू? राज तुम यही हो, मैं तुम्हारी सांसें महसूस कर सकती हूँ, जानती हूँ कि तुम स्टेशन भी आए थे, कैसे नहीं आते, आखिर मैं 3 साल बाद आ रही थी। राज हमारा प्यार अब उस जगह पर पहुंच चुका है जहां मिलना ना मिलना बेमानी है, मन जब जुड़ जाते हैं तो एक दूसरे की धड़कन ही तक सुनाई देती है, प्यार जब अपनी ऊंचाइयां पाता है तो वो पूजा ध्यान इबादत बन जाता है। कोई कहता है ये दुनिया धन से चलती है, कोई कहता है इसे बल चलाता है, कोई कहता है व्यापार चलाता है, पर नहीं सब गलत, संसार तो केवल प्यार से चलता है। शांता चक्के बता कैसी बड़ी है।
जिठानी जी, गुजिया तो आपने बड़ी अच्छी बनाई है। जैसे मुझे वो मसाले वाली पूरी पसंद है ना, वैसे मैंने गुजिया भी बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने बनाना सीख लिया था। बड़े मां मैंने भी सिखाओ ना कैसे बनाते हैं। ये तू पूछ रही है? हाँ क्यों, मैं ना पूछ सकती? नहीं, मारे कहने का मतलब ये है कि कभी तुझे ना लड़कियों वाले काम करते हुए देखा नहीं मैंने, इसीलिए। जिठानी जी पहले बाहर जाकर देखो कि सूरज किधर से उगा है। मारे से तो इसने कभी कुछ पूछा नहीं, अब आपसे पूछा है वो भी इतने मन से, तो बता दो ना। हाँ हाँ क्यों नहीं। देख बेटा, गुजिया बनाना बहुत आसान होता है। पहले मैदे में थोड़ा सा घी मिलाओ, घी से उसको मोइन दो, फिर उसमें पानी मिलाओ, अच्छे से गूंद लो, उसके बाद सूजी और मावे को भून लो, उसके बाद बनाना होता है इसका मिश्रण, जिसमें पड़ता है चिरौंजी, किशमिश, पिस्ता और पिसी हुई नारियल, पिसी हुई चीनी, इनको मिला के एक बढ़िया सा मिश्रण तैयार होता है, ठीक है? उसके बाद मैदे को बेलो और उसमें मसाला भरते जाओ और तल लो, बस हो गई गुजिया तैयार, है कि नहीं? बस ये तो बड़ा आसान है। इतना भी आसान ना से, हर चीज बनावे से आवे से। रसोई घर का मुंह तो कभी देखा नहीं, पहली बात तो इसे मैदा ही ना मिलेगा। ओ शांता, तोरी को पहले ही मत डराओ। अरे एक बार इसे रसोई में जाने तो दो, मारा मन कहता है कि सब इसके खाने की फरमाइश करेंगे बस। जिठानी जी, जिस दिन ये चाय बनाएगी ना, उस दिन मैं लड्डू बटवाऊंगी। हाँ तो माँ, चाय बनाना कौन सी मुश्किल बात है, वो तो मैं इसलिए नहीं बनाती, अगर बनाने लग गई ना तो 24 घंटे किचन में ही खड़ी रहूंगी। वैसे तुम कहाँ जा रही हो? रात से मिलने। अच्छा, मुझे लगा 3 साल काफी होते हैं, पर मैं गलत था। अगर इतना टाइम बीत जाने के बाद भी तुम उसे नहीं भूल पाई तो कुछ बात तो जरूर है। अन्ना, जब कोई इंसान किसी को सच्चे मन से चाहता है ना, तो उसके लिए 3 साल तो क्या, 3 जन्म भी इंतजार करना पड़े ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता।